नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और खबरों की शुरुआत करेंगे अभी की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजगढ़ में किया असंगठित श्रमिकों सम्मेलन में हितग्राहियों को चरण पादुका पहनाकर पानी की कुप्पी भेंट। और उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी परिसर में सड़कों के डामरीकरण और नवीनीकरण कार्य का किया शिलान्यास। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आगामी 23 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजगढ़ जिले के मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री राजगढ़ जिला मुख्यालय पर असंगठित श्रमिक, तेंदुपत्ता श्रमिकों के बोनस वितरण और अंत्योदय सम्मेलन के अवसर पर आयोजित आम सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राजगढ़ जिले की मोहनपुरा और कुंडालिया सिंचाई परियोजनाओं से लगभग 8 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होगी और बांध से लगे क्षेत्रों में सतही स्रोतों के माध्यम से पेयजल समस्या भी हल होगी। समाधान एक दिन के तहत प्रदेश में अब तक 13,36,000 आवेदनों का निराकरण किया गया है। पिछली जनवरी 2018 से शुरू की गई इस सेवा के तहत नागरिकों को 34 सेवाएं एक दिन में दी जा रही हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान दी गई। मुख्यमंत्री चौहान ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले समाधान एक दिन के क्रियान्वयन में डिंडौरी, भिंड, होशंगाबाद, सागर और मंडला जिलों को बधाई दी। उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा कि 15 जुलाई से 15 अगस्त तक होने वाले पौधरोपण अभियान में ऑक्सीजन उत्सर्जन और लंबी आयु वाले पौधों को प्राथमिकता दी जाए। उच्च शिक्षा मंत्री बरकतुल्ला विश्वविद्यालय परिसर में सड़कों के डामरीकरण और नवीनीकरण कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने परिसर में पौधरोपण भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जाकर आम लोगों को पक्की सड़कों पर चलने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये बात राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने भिंड जिले में विकास यात्रा के दौरान जिले की विधानसभा अटेर के ग्राम हरराजपुरा, नयापुरा, जगन्नाथपुरा में 2 CC सड़कों के विकास और निर्माण कार्यों के भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह में कही। इस ब्रेकिंग फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए MSTV के साथ। नमस्कार।